देखो आज के डेट में प्रभास के आदि पुरुष का इतना हाइप बढ़ चुका है, यानी लिटरली इंडिया का बच्चा बच्चा इस मूवी को देखने के लिए आंखें फाड़ के वेट कर रहा है। और ऑब्वियसली इसका एक बड़ा रीजन है क्योंकि आदि पुरुष ग्रैंड लेवल पे रामायण को सेलिब्रेट करती है और इसलिए आदि पुरुष के जो मेकर्स है वो इस मूवी को बवाल और इपिक बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे, जिस वजह से प्रभास की वॉइस को अल्टीमेट लेवल पे चेंज कर दिया गया है आदि पुरुष की हिंदी वर्जन में। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। अब ये तो सभी को पता है कि प्रभास को हिंदी आती है, तो बड़ा क्वेश्चन ये निकल के आता है कि प्रभास की वॉइस को क्यों रिप्लेस किया जा रहा है आदि पुरुष के हिंदी वर्जन में। तो इसका सीधा और सिंपल सा आंसर है पब्लिक की डिमांड। बाहुबली के बाद जब प्रभास की दोनों भी मूवीज आई थी तो उस टाइम पे प्रभास की ओरिजिनल वॉइस हमें हिंदी में सुनने को मिली साहो और राधेश्याम मूवी में, पर प्रभास के उस हिंदी डायलॉग्स और वॉइस के अंदर कोई भी दम नजर नहीं आया और इसी वजह से प्रभास की वॉइस ने हिंदी बेल्ट में भय और भौकाल दोनों भी नहीं बनाया, क्योंकि पब्लिक प्रभास की हिंदी एक्सेंट और वॉइस के साथ बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो पाई थी जिस तरह से बाहुबली के कैरेक्टर के साथ हुई थी। और ये भी एक बड़ा रीजन है साहो और राधेश्याम के फेलियर का, जिसे मेकर्स टोटली समझ चुके हैं और इसीलिए तो प्रभास की वॉइस को हिंदी वर्जन में डब किया जा रहा है ताकि ऑडियंस प्रभास के कैरेक्टर से ज्यादा कनेक्ट हो पाए। और इसीलिए तो बाहुबली में बनी प्रभास की बुलंद आवाज को रिटर्न बुलाया गया है, यानी शरद केलकर जिसने बाहुबली को आवाज दी थी वही बंदा प्रभास के आदि पुरुष का जो कैरेक्टर है श्री राम उसकी वॉइस बनेगा। और किसी को ऐसा लग रहा होगा कि ये कौन सी बड़ी बात हो गई, इससे क्या घंटा फर्क पड़ेगा, तो एक बार बाहुबली के हिंदी वर्जन के सारे डायलॉग उठा के देख लो और उससे भी पेट नहीं भरा तो ये कंपैरिजन तो जरूर देखना, जिसमें प्रभास की मूवी का सेम डायलॉग है जो तेलुगु में मास लगता है और हिंदी में बकवास। गल्लीलू सिक्स एवडना कोड़तुडु, गली क्रिकेट में तो सब टेंडुलकर है, स्टेडियम लो कोट्टेवडिके ओक रेंज उंटदे। असली टैलेंट वो होता है जो भरे मैदान के बाहर सिक्सर मार सके। अब ऐसी बात नहीं है कि प्रभास की जो हिंदी है वो बहुत ही खराब है, पर जो एनर्जी पावर और फीलिंग प्रभास की तेलुगु डायलॉग के अंदर नजर आती है वो टोटली हिंदी में से गायब हो जाती है, यानी तुम्हें एक सेकंड के लिए भी नहीं फील होता है कि ये बंदा पावरफुल पंच डायलॉग्स मारता है। जबकि शरद केलकर के जो बाहुबली की आइकॉनिक वॉइस थी उसे जब तुम बाहुबली में सुनते हो प्रभास के लिपसिंग में, उस पहाड़ी वॉइस में डायलॉग सुन के लिटरली गूज़बम्प्स आ जाते हैं। और इसी वजह से अल्लू अर्जुन और यश ने अपने वॉइस को डब कराया हिंदी वर्जन में KGF और पुष्पा मूवी के अंदर, जबकि ये दोनों भी सुपरस्टार अच्छी खासी हिंदी बोल ही लेते हैं फिर भी अपने वॉइस को हिंदी में डब कराया। और इसका बवाल रिजल्ट ये निकला कि इस मूवी के जो डायलॉग्स है वो ओरिजिनल लैंग्वेज से ज्यादा हिंदी में ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि पुष्पा और रॉकी भाई की जो हिंदी वॉइस थी वो बहुत ही पावरफुल दमदार और कड़क थी। और इस चीज से ये बात क्लियर होती है कि एक कड़क वॉइस कितनी ज्यादा मैटर करती है मूवी को हिट और फ्लॉप कराने में, और इस बात को प्रभास ने भी समझ लिया है। और अगर वॉइस के चेंज हो जाने से मूवी को बूस्ट मिलती है तो इससे मूवी और कैरेक्टर की जो पॉपुलैरिटी है वो ज्यादा ही होगी, और यही चीज तो पब्लिक को चाहिए, एक दमदार कंटेंट जिससे वो कनेक्ट होके एंजॉय कर सके। तो इसी बात पे GBF का ये वीडियो तुम्हें दिल पे लगा हो तो लाइक करना, दिमाग में बैठा हो तो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ किसी नए कंटेंट के साथ, टेक केयर, गुड बाय।